अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। में 3 लोकसभा लग रही, किस तरह की फिनिशिंग की जाएगी? लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए देवास की पुलिस कटिबद्ध है। इसके लिए अपनी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें लगभग 4,500 का फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट होगा और 270 क्रिटिकल मतदान केंद्र जो विभिन्न बिंदुओं हैं उनके आधार पर बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें 18 पैरामिलिट्री की कंपनियाँ मांगी जा रही हैं, 2 SAF की मांगी जा रही हैं, कुछ होमगार्ड बल की भी डिमांड की गई है। तो पूरे ये फोर्स के साथ इसमें कार्रवाई होगी। साथ साथ जो संपत्ति विरूपण की कार्रवाई है, अवैध शराब मूवमेंट पे कार्रवाई है, कैश का सीजर है, उसमें अपने FST SST के नाके लगने हैं जो पूरे ज़िले में 30 जगह लग रही हैं, इन सभी पे भी कार्रवाइयाँ लगातार की जाएंगी। जो भी हथियार हैं ज़िले में लोगों के लाइसेंस शुदा, उनको जमा करने का भी आदेश सभी को दे दिया गया, हथियार भी जल्दी जमा करा लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो शिकायतें प्राप्त होती हैं आयोग के माननीय आयोग के ऐप के माध्यम से या सीधे प्राप्त होती हैं, उन शिकायतों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल हमारी तैयारी चाक चौबंद बेहतरीन है और भयमुक्त माहौल चुनाव कराया गया। सर, विधानसभा चुनाव में देखा गया था चेक पोस्ट पर वहाँ पे कैमरे की मदद ली गई थी, क्या लोकसभा में उपयोग करेंगे? हाँ, लोकसभा में भी कैमरे की मदद ली जाएगी, जो चेक पोस्ट है वहाँ पर भी रहेगी। साथ साथ जो हमारी टीमें रहती हैं वो भी जहाँ जरूर पड़ता रिकॉर्डिंग करती है, साथ ही जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनमें भी वेबकास्टिंग होता है और कैमरा मैन रहते हैं। तो ये ओवरऑल जितने भी प्रभावी मेजर्स हैं आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार वो सभी उपयोग में लाए जाएंगे। सर, आखिर हम सब विधानसभा चुनाव में कुछ बुजुर्ग पुलिस वाले लगे थे जो 60-61 के आसपास थे रिटायरमेंट के पहले, कई पुलिस कर्मियों की तबियत भी खराब हुई थी, क्या लोकसभा चुनाव में उनको वापस लगाएंगे या फिर उन्हें ड्रॉप किया जाएगा? पुलिस विभाग में 62 साल की उम्र है, उस साल की उम्र तक लोग करते हैं और फुल वेतन भी प्राप्त होता है उनको, और जिसका कोई स्वास्थ्य संबंधी इश्यू है तो निश्चय उसको हमेशा कंसिडर किया जाता है, आगे नहीं किया जाएगा। ठीक है।